अरे राम हरे रामा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे रामा, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे रामा, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे रामा, राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे रामा, राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे रामा, राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। जिन किन्हीं को प्रेयर करना है कृपया अपना हैंड रेस करें। लेट्स स्टार्ट। हरे कृष्ण। अश्लीषा माता जी, हरे कृष्ण प्लीज स्टार्ट। हरे कृष्णा गुरु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं तिमिरांध्यस्य ज्ञानं जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। हरे कृष्ण। तो स्टार्ट करते हैं कृष्ण कृपा श्री मूर्ति शिला प्रपात की बातों से ही। शिला प्रपात एक बात बोलते थे कि जो करप्टेड हों, जो मायावादी हों, उनकी बातों की भर्त्सना की जानी चाहिए। एक बहुत अमेजिंग बात बोलते थे, क्या कि एक काम कीजिए, आप उनको खुद ही बोलने दीजिए, जब बोलेंगे ना है तो खुद ही अपना पोल खोल देंगे ना। एग्जैक्टली वर्बटिम निकालना थोड़ा सा भी थोड़ा सा कष्टदायक होगा। काश वो वर्बटिम निकाल दे तो बड़ा अच्छा हो। क्या ऋचा माता जी इसमें मेरी मदद करेंगी क्या, वो कोट निकालने में कि वो खुद बोलेंगे तो खुद ही अपनी पोल खोल देंगे, ऐसा कोई सेव्ड है क्या आपके पास? यस यस। हरे कृष्णा।
यस एग्जैक्टली मिल गया मिल गया। हरे कृष्ण। ओके सो दिस इज द कोड, आई होप सब आ गया। लास्ट का हल्का सा कट है। सो श्रील प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, और यहाँ पे इम्पर्सनल इम्पर्सनलिस्ट के लिए, इम्पर्सनलिस्ट कौन होते हैं, जो कृष्णा को पर्सनल फीचर में नहीं जानने जानने जान जानते हो, जो कृष्णा को पर्सनल फीचर में नहीं जानते, परंतु ये तो एक प्रकार के अपराधी हुए या फिर एक प्रकार के लोग हुए, क्योंकि हम लोगों को पूर्ण सत्य तक नहीं पहुंचने दे रहा, आधे अधूरे मार्ग तक रोक दे रहा, परंतु ऐसे सभी के लिए, वो दूसरा कोई डिविएशन है उसके लिए भी, तीसरा डिविएशन है उसके लिए भी, कोई झूठ बोल रहा है उसके लिए भी, है ना, तो सभी के लिए क्या लिखा हुआ है, क्या बोल रहे हैं श्रील प्रभुपाद। सो फार द इम्पर्सनलिस्ट रास्कल, देखिए श्रील प्रभुपाद ये रास्कल शब्द यूज करते थे, इससे ज्यादा कोई मतलब, पहले दूसरी बार कोई सुने ना तो लगता है कि कोई संत इतनी इस प्रकार से रास्कल शब्द इस्तेमाल कर, रास्कल कहने का अर्थ है कि जो अपना निर्धारित कर्तव्य नहीं कर रहा, जिसको जो कार्य दिया गया वो नहीं कर रहा, तो इस प्रकार से। सो फार द इम्पर्सनलिस्ट रास्कल, यू मे सिंपली चैलेंज हिम बाय आस्किंग व्हाट इज योर फिलॉसफी, आपकी फिलॉसफी क्या है, अब बोलिए। इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू डिफीट दीज पर्सन्स, इतना मुश्किल नहीं है इन सभी को हराना, बिकॉज दे हैव गॉट, दे हैव नॉट गॉट एनी सब्सटेंस, उन सभी के अंदर में खोखला है, अंदर में कुछ तत्व नहीं है, सब ऐसे ही, और क्या लिखा हुआ, सिंपली बिग वर्ड्स, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बट वी हैव गॉट आवर बुक्स भगवद गीता, इफ यू एंगेज इन पब्लिक डिबेट पोलाइटली हैंडल देयर स्टेटमेंट विद कूल हेड एंड रिप्लाई फ्रॉम द ऑथोरिटी ऑफ आवर बुक, दैट इज ऑल। क्या बोल रहे हैं, हमारे पास भगवद गीता है, अगर उनको पब्लिक डिबेट में बुलाएं, आइए बताइए, शास्त्रार्थ कीजिए, है ना, उनके शब्दों को आराम से ठंडे दिमाग से अगर जवाब दें और ऑथोरिटी से दें कि शास्त्र में ये लिखा है, बस कृष्णा विल गिव यू ऑल हेल्प टू एक्सपोज हिज लैक ऑफ नॉलेज एंड फॉल्टी अंडरस्टैंडिंग। तो कृष्णा आपको समझदारी देंगे कि जो दूसरे हैं, जो इम्पर्सनलिस्ट हैं, जो गलत प्रचार कर रहे हैं, उनकी गड़बड़ समझदारी को एक्सपोज करने में आपकी मदद कर देंगे, क्योंकि आप भगवद गीता के समझ से बता रहे हैं, श्रीमद् भागवतम के समझ से बता रहे हैं, ठीक इसी प्रकार से, जैसे लाई डिटेक्टर मशीन होता है ना, लाई डिटेक्टर मशीन किसी ने देखा है, अब लाई डिटेक्टर मशीन कैसा होता है, अब जैसे ही आप लाई बोलिएगा, जैसे ही झूठ बोलिएगा, वो बीप करने लगता है, पै 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 पै, ठीक इसी प्रकार से जब कोई भी बातें करता है और कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद के अकॉर्डेंस में नहीं होता है, तो मैंने एक मशीन लगा रखा है, है? मेरे को अक्सर उनकी बातों में ही गतिरोध डिफरेंस दिखने लग जाता है, फर्क दिखने लग जाता है, वो जो बोल रहे हैं वो सत्य नहीं, अक्सर दिखने लग जाता है। तो कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद ये कृपा कर, लोग फायदा उठा करके श्रील प्रभुपाद की बातों को या तो गलत रखते हैं या तो गलत रूप से रखते हैं, एकदम गलत, प्लीज नोट कर लीजिए, मैं एकदम चैलेंजिंग मोड में हूं, मुझे कोई संशय नहीं है, जीरो डाउट, जीरो, कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद के वर्ड्स परफेक्ट है और वो हमें भगवत धाम ले जाएंगे, श्रील प्रभुपाद हम सभी को भगवत धाम ले जाएंगे। श्रील प्रभुपाद ने भगवत गीता लिखी तो लिखी भगवत गीता एज इट इज, यथारूप, आज के दिन में हम लोगों को जरूरत है प्रभुपाद एज इट इज का,
श्रील प्रभुपाद की बातों को यथारूप अगर हम रखने लग गए, उनकी बातों को अगर शुद्धता से समझने लग गए, हम सफल हो जाएंगे। जो जीवन है वो सार्थक हो जाएगा, जो जीवन का लक्ष्य है वो प्राप्त हो जाएगा, है ना। और अगर हम लोग यथारूप कुछ भी मलिनता को स्वीकार करने लग जाएं, तो श्रील प्रभुपाद ने ये बोला नहीं है, है? श्रील प्रभुपाद ने बोला है यू सिंपली चैलेंज हिम बाय आस्किंग। तो हर बार ये चैलेंज मत कीजिएगा। श्रील प्रभुपाद ने बोला है चैलेंज करना है, बिल्कुल चैलेंज कीजिए, परंतु कब कीजिए? जब आपके पास ऑथोरिटी हो, है? पता चला आपका खुद का ऑथोरिटी है नहीं, आप कुछ कर पाइएगा नहीं, या फिर आप उनका, देखिए क्या होता है, इस भौतिक जगत में सबसे बड़ा अपराध मालूम है क्या है? सबसे बड़ा अपराध है भौतिक जगत में, फिर से बोल, इस भौतिक जगत में सबसे बड़ा अपराध है चोर को चोर बोल देना, झूठे को झूठा बोल देना, करप्ट को करप्ट बोल देना, है? अपराधी को अपराधी बोल देना, ये बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अपराध, इसके लिए बहुत सजा मिलती है। अगर कोई झूठे को झूठा बोल देंगे तो बहुत सजा मिलेगी। तो आप उस अनुसार कार्य इस प्रकार आप हैंडल कर सके, सिचुएशन को हैंडल करना। देखो तो क्या है, हम लोगों को सत्य तो बोलना है, परंतु सत्य कैसे बोलना है? सत्य ऐसे बोलना है जैसे हम हैंडल कर पाए, हैं? पता चला सत्य तो बोल दिए, हैं? जैसे सपोज करें मैं आपको एक एग्जांपल दूं, सपोज करें आपके घर में आपके पिताजी कोई बात बोल रहे हैं या माताजी कोई बात बोल रहे हैं, वो असत्य बोल रही है, और आप क्या कीजिए, चैलेंजिंग मोड पे आ जाइए, हैं? आप बोलिए माताजी आपकी फिलॉसफी क्या है, आप बताइए, हैं? तो क्या होगा, फिलॉसफी तो अलग बात है, शास्त्र तो अलग बात है, हैं? आपका दाना पानी उठ जाएगा, है ना, आपको खाने को प्रसादम मिलेगा नहीं, समझिए, है ना, दिक्कत हो जाएगा। तो ये हंसी मजाक में बोला, परंतु हम लोगों को चैलेंज करना चाहिए, बिल्कुल चैलेंज करना चाहिए, बिल्कुल हम लोगों को गलत को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, परंतु हमको अपना स्थिति भी देखना चाहिए, है ना। हमारा हृदय यही होना चाहिए कि बिल्कुल चैलेंज करेंगे, परंतु अगर कृष्णा ऐसी स्थिति बनाएंगे तब चैलेंज करेंगे, हम ऐसे ही किसी को भी चैलेंज नहीं करते। नहीं तो बहुत बार क्या होता है ना, बड़ा युद्ध लड़ने के लिए है, अगर छोटे युद्ध में हम बहुत ज्यादा अपने आप को एक्सपोज कर दे तो हो सकता है छोटे युद्ध में हमारी हत्या हो जाए, हमारा अंत हो जाए, है ना, तो फिर बड़ा युद्ध लड़ने के लिए हम जिंदा नहीं रहेंगे। इसीलिए हम लोगों को दृढ़ता से खड़ा तो रहना है, परंतु इस तरीके से ताकि हम अपना अहित ना कर दें। प्लीज समझिए, कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद जो भी बात बोल रहे हैं सभी बातों का पालन करना है, हो सकता आज नहीं कर पा रहा, ये पॉसिबल है, हो सकता 6 महीने में नहीं कर पाए, परंतु कोई ये बोले कि हमको उनके शब्दों का पालन नहीं करना है तो वो अनसक्सेसफुल होने वाला, वो अपने जीवन को व्यर्थ कर लेगा, ऐसा जीवन का कोई लाभ नहीं, आध्यात्मिक रूप से मृत है ना। हाँ ठीक है, बाकी अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग रास्ते हैं, परंतु जैसे कलयुग आगे बढ़ता है ना, कलयुग का प्रकोप है कि मलिनता बढ़ते चली जाती है, परंतु हमारे पास एक बहुत अच्छा अस्त्र है, कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद के शब्द, है ना, उस अस्त्र से हम कली के सारे प्रकोप से बच जाएंगे, सारे प्रकोप से बच जाएंगे, ठीक है। तो आगे जो भी बुरा हो, जो भी अहित, हम सबसे बच जाएंगे, इस बात की गारंटी मेरी है,
डेफिनेटली कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्रील प्रभुपाद के हर एक शब्द के लिए मैं अकाउंटेबल हूं। आपको जो जो जिज्ञासा पूछनी है सब पूछा गई, उनके शब्दों में सभी चीज के उत्तर हैं, इसमें कोई संशय मत रखिएगा, कोई संशय नहीं। जितने तरह की परेशानी हो सकती है सभी परेशानियों का उत्तर यही। हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एट दैट मोमेंट कभी जिज्ञासा पूछे, बस उसी पल में बताएं, जरूरी नहीं है एक दो मिनट बाद, पांच मिनट बाद, थोड़ा देखने के बाद, थोड़ा सर्च करने के बाद बताएं, वैसा हो सकता है। परंतु उनके शब्दों में सभी प्रश्नों के उत्तर है ना। गुरु मुखा पद्म वाक्य है, सच में ठीक है। बस श्रील प्रभुपाद की बातों को स्वीकार करते जाइए, अपने जीवन को सार्थक बनाते जाइए, है ना। मुश्किल नहीं, इस रास्ते पे चलना मुश्किल नहीं, तो उन्हीं की कृपा। देखिए गुरु कृपा कैसे करते, गुरु कृपा तब करते हैं जब हम उनके इंस्ट्रक्शन का पालन करें, उनने जो इंस्ट्रक्शन दिया उसका पालन करें। एक इंस्ट्रक्शन ये भी दिया है, नित्यम भागवतम सेविया है, ऐसे तो श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ, परंतु उनने इंस्ट्रक्शन दिया, उनने बोला है ये करना है। शास्त्रों में तो बहुत सारी चीजें लिखी रहती है, परंतु गुरु इंस्ट्रक्शन देते ये करना है। जैसे अष्टांग योग भी लिखा हुआ शास्त्र में, तो श्रील प्रभुपाद ने बोला है क्या करना है, बोला है क्या है? कर्म योग भी लिखा हुआ है, बोला है क्या कर्म योग के रास्ते चलना है, बहुत कुछ लिखा हुआ है ना। तो श्रील प्रभुपाद ने ये इंस्ट्रक्शन दिया, हम भी वही पालन करने का प्रयास करें, है ना। चलिए उसी बात से कंटिन्यू करें, जिनकी निको रीड करना है कृपया हैंड रेज करें। हरे कृष्णा विपुल प्रभु। हरे कृष्णा। ध्रुव महाराज की महिमा को देखकर नारद मुनि अपनी वीणा बजाते प्रचेताओं के यज्ञ स्थल पर गए और प्रसन्नता पूर्वक निम्नलिखित तीन श्लोकों का उच्चार किया। तात्पर्य, नारद मुनि ध्रुव महाराज के गुरु थे, वे ध्रुव की महिमा देखकर अत्यंत प्रसन्न थे। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र को हर प्रकार से उन्नति देखकर प्रसन्न होता है, उसी प्रकार गुरु अपने शिष्य की उन्नति को देखकर अति प्रसन्न होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। देखिए अगर कोई क्वालिफाइड शिष्य है तो गुरु उसको देख करके बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश। अगर कोई क्वालिफाइड शिष्य है तो गुरु उसको देख करके बहुत प्रसन्न होते हैं। ऐसा बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर होता है कि कोई इतना क्वालिफाइड हो कि गुरु उससे प्रसन्न हो जाए। प्लीज समझिए, गुरु का लक्ष्य क्या होता है। गुरु वो जो भगवान तक ले जाए, गुरु वो जो कृष्णा तक ले जाए। तो गुरु का लक्ष्य क्या होता है कि हम अपना खोया हुआ प्रेम पुनर्स्थापित कर ले, पुनर्जागृत कर ले। परंतु मात्र इतना नहीं, गुरु को प्रसन्न करना बड़ा मुश्किल है। गुरु ये भी चाहते हैं कि मेरी जो बात है ना वो दूसरों तक पहुंचाओ। क्योंकि कृष्णा बोलते हैं जो मेरे इस पवित्र संवाद का प्रचार करता है वो मेरा अत्यंत प्रिय हो। देखिए आप समझिए, अगर कोई त्रुटिवश है ना, त्रुटि करना नहीं चाह रहा पर त्रुटि हो गई है, कोई त्रुटिवश शास्त्रों को एज इट इज नहीं रख रहा,
परंतु उसका हृदय यही है कि शास्त्रों को यथारूप ही रखें। फिर भी त्रुटि हो गई। अगर कोई त्रुटिवश कुछ कुछ गड़बड़ कर दे तो कृष्णा क्या करेंगे? कृष्णा उसको सिचुएशन को बचा लेंगे, गुरु क्या करेंगे उस सिचुएशन को बचा लेंगे। परंतु नाम अपराध क्या होता है? एक नाम अपराध होता है नाम के बल पे पाप करना। तो किसी को नाम मिल गया है, अपराधी बन जाए, गुरु मालूम है फिर भी टॉलरेंट होते हैं। गुरु फिर भी सोचते हैं कि चलो ठीक है, नाम अपराध कर रहा है, पापी है, गलत है, परंतु फिर भी सुन तो रहा है, फिर भी कोशिश तो कर रहा है, फिर भी कोशिश तो कर रहा है। गुरु फिर भी बचाना चाहते हैं, सच बता रहे हैं। आप सोच के देखिए ना, कल ही एग्जाम्पल दिया था, पहले नरोत्तम दास ठाकुर का दिया था, शुद्ध शिष्य मिलना बहुत मुश्किल है। फिर भक्ति विनोद ठाकुर, एक शुद्ध शिष्य उनका पुत्र। फिर गौरा किशोरा दास बाबा जी, ना पहले ना बाद में कोई शिष्य, समझ रहे हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, एक शुद्ध शिष्य मिल जाए तो सारा मंदिर भेज दूं, एक शुद्ध भक्त मिल जाए सारा शुद्ध सारा यस क्या हुआ? अच्छा ठीक है, ठीक है ठीक है। वो ऋषा माता जी ने कुछ लिखा है, मैंने नोट नहीं किया, मैं रजिस्टर नहीं किया, ठीक है वो बाद में देखेंगे। ओके आप समझिए, सब कोई क्या कर रहे हैं, सब कोई के पास शुद्ध शिष्य नहीं मिल रहे। तो कोई अगर शिष्य ऐसा हो जाए जो कि अच्छा कार्य करने लग जाए, अच्छा क्या होगा? पहले तो अपना जन्म को सार्थक करे, फिर क्या करे? फिर परोपकार भी करे, क्या करे? सब तक ये बात भी पहुंचाए, शुद्ध रूप से भगवान की वाणी सब तक पहुंचाए। अभी किन्हीं डिवोटी से बात हो रही थी, भगवान की वाणी सब तक पहुंचाने में ना बड़ा कष्ट आता है। एक कष्ट है कि लोकप्रिय ना होना। अब देखिए प्लीज, जो लोग नए डिवोटीज जुड़ रहे हैं, मेरा हाथ जोड़ करके विनती है, कृपया ध्यान पूर्वक सुनिएगा। अभी जो बोल रहा हूं वो थोड़ी कड़वी बात है, ठीक है, परंतु उससे घबराइएगा नहीं, उससे घबराइएगा नहीं। वो प्रेम का, जैसे माता कभी अपने संतान से प्रेम करती है ना, तो प्रेम में जैसे रोते हैं ना, माता रोने लगती है ना, जब प्रेम करते हैं, माता अपने संतान से प्रेम करती है तो रोने लग जाती है ना, है? ये वो वाले आंसू और ये वो वाला दुख है। हो सकता है नए डिवोटीज को नहीं समझ में, ठीक है, परंतु आप दुखी मत होइएगा। तो होता कैसा है? शुरुआती तौर में हमें कृष्णा से थोड़ा आकर्षण होता है, है? फिर आकर्षण और बढ़ता है, फिर प्रेम आता है, धीरे 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 कृष्णा से जब प्रेम और दृढ़ हो जाता है तो हम सर्वस्व कृष्णा के लिए करने लगते हैं। फिर भौतिक जगत के कार्यकलाप हमें निरर्थक लगते हैं, फिर कृष्णा का प्रेम ही सब कुछ लगता है। एक्चुअली में स्थिति यही है। देखिए इस जगत का जो भी प्रेम है ना, वो क्षणिक है, थोड़ी देर का है, वो बहुत देर नहीं टिकेगा। प्लीज दुखी मत होइए, मेरा बार बार विनती है, दुखी मत होइए। ये सुनने में बड़ा हृदय टूटने लग जाता है कि ये भौतिक जगत का प्रेम, हमारा जो संबंधी है, हमारा जो रिश्तेदार है, जो परिवार है, वो प्रेम, वो सत्य नहीं है क्या? नहीं, सच में वो सत्य नहीं है। वो बस एक व्यवस्था बनाई गई है ताकि आप इस भौतिक जगत में अपना जीवन जिए। जिस प्रकार से अगर आप कहीं पे होटल में जाते हैं
और होटल के बेड पे सोने लग जाते हैं तो वो बेड आपका नहीं होता है, वो बेड होटल वाले का होता है। आप वहां पे सो जाते हैं, आप कहीं पे रेंट पे रहने लगते हैं तो वो जमीन आपकी नहीं हो जाती, आप रहने लगते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम इस जगत में आए हुए हैं। आप ये मत समझिए जगत मेरा है, हम इस जगत में रह रहे हैं, हमको रहने के लिए दिया गया है, हम इस जगत के अधिकारी नहीं है। थोड़े समय में खाली करना पड़ेगा, और खाली ऐसे वैसे नहीं करना पड़ेगा, जो कुछ है सब कुछ ले लिया जाएगा, सब कुछ ले लिया जाएगा। सत्य है, प्लीज फिर से बोल रहा हूं, दुखी मत होइए, ये सत्य है। जितना स्वीकार कर सकते हैं बहुत अच्छी बात, और नहीं स्वीकार कर सकते हैं बार बार जिज्ञासा पूछेगा, परंतु दुखी मत होइए। मेरा कार्य है कि सत्य बोले, मेरा कार्य है कि जागृत रखे। तो हमारा शरीर बहुत जल्दी छूट जाए, उससे पहले हमको अपना कार्य कर लेना है। जो सही प्रेम है उसके प्रति आकर्षण हो जाना चाहिए, नहीं तो पता चलेगा कि हमारा जीवन व्यर्थ हो गया, हमने अपना जीवन बिगाड़ लिया। गुरु यही चाहते हैं, कोई भी गुरु होगा वो यही चाहेगा कि हमारा शिष्य वही कार्य करे जो कृष्णा चाहते हैं। कृष्णा चाहते हैं कि सब कोई का आकर्षण मेरी तरफ हो, इसीलिए कृष्णा है। शुरुआती तौर में नहीं बताते, शुरुआती तौर में बताते हैं ना कि कृष्णा तो बस एक ऐसे ही श्लोक बताते हैं, सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरी भक्ति करो। जब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं बोलते हैं एक पल भी अगर आप बर्बाद कर रहे हैं तो ये तो पाप है। एक पल भी अगर आप कृष्णा के चिंतन में नहीं लगा रहे ये तो पाप। हाँ, इसको कर पाना मुश्किल होता है, और इसीलिए तो ये चैलेंज है। इस रास्ते चल पाना बहुत मुश्किल है, बहुत विरला ही कोई चल पाता है। भगवान से प्रेम जागृत करना बहुत मुश्किल है, गुरु की बातें स्वीकार करना बहुत मुश्किल है, सही शिष्य बनना बहुत मुश्किल है। इसीलिए नारद मुनि अत्यधिक प्रसन्न हो रहे हैं, अत्यधिक प्रसन्न हो रहे हैं। ध्रुव महाराज कोई ऐसे वैसे नहीं, देखिए सारा प्लैनेट उनके अराउंड घूम रहा है, कली जान। केंद्र बिंदु बन गया वो है, छोटा मोटा स्थान। कोई भी पिता यही चाहता है कि मेरा पुत्र मेरे से आगे आगे बढ़ करके कार्य करे, ऊंचा कार्य करे, उसी में पिता की महिमा है। गुरु की महिमा भी उसी में कि मेरा शिष्य मेरे से भी अच्छा कार्य करे। परंतु प्लीज नोट कर लीजिए, ये बहुत खतरनाक बात है। अगर इसको पालन कर लिया, दो बातें हैं, पहला तो गुरु समझ लिया और दूसरा बात भी पालन करना पड़ेगा। अगर इसको पालन कर लिया उसके बाद आप कभी नहीं गिर सकते। पहला गुरु जान लिया गुरु कौन है, और दूसरा ये भी पालन करना पड़ेगा। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद बोलते हैं गुरु का गुरु बनने का कोशिश नहीं करना चाहिए। अगर कोई गुरु का गुरु बनने का कोशिश करता है तो सब खत्म हो जाएगा। देखिए गुरु यही चाहेंगे कि मेरे से भी ऊंचा कार्य करें, परंतु शिष्य का अगर ये हृदय हो गया कि मैं गुरु से ऊंचा कार्य करूं, ये बहुत बड़ा अपराध होगा। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद एक और बात बोलते कि शिष्य को गुरु के सामने मूर्ख बन करके रहना चाहिए, मतलब बस एक्टिंग नहीं करनी है, रियली ऐसा ही रहना। इसीलिए बोलते हैं 3 साल के बच्चे के समान रहिए, ज्यादा बड़ा बनने की आवश्यकता नहीं, मूर्ख बन करके रहिए। क्यों? क्योंकि अगर समझदार बनेंगे तो बुद्धि लगाएंगे, बुद्धि लगाएंगे तो हृदय काम नहीं करता, दोनों में से एक काम करेगा, या तो बुद्धि कार्य करेगी या तो हृदय कार्य करेगा।
आप मेरे से कोई भी बात करें, मेरे को समझ में आता है आप बुद्धि से बात कर रहे हैं या हृदय से बात कर रहे हैं, दोनों नहीं हो सकता। बुद्धि भी बोल रही है, हृदय भी बोल रहे हैं ना, या तो आपका हृदय धड़क रहा है उसके कारण आप ये बात बोल रहे हैं, या तो आप अपनी समझदारी से बात बोल रहे हैं, दोनों एकदम अलग है। तो इसीलिए हमको मूर्ख बन करके रहना चाहिए। ब्रेन काम नहीं कर रहा है, दो चीज का काम करना है, या तो हृदय काम करेगा या तो ब्रेन काम करेगा। हम बोले ब्रेन का काम नहीं लेना, तो क्या काम करेगा? हृदय काम करेगा, है ना। अगर हम हृदय से भगवान के बारे में जानने का प्रयास करेंगे तो सफल हो जाएंगे। यही तो चाहिए हमारा एक्चुअली में, सभी का। हमारा एक्चुअली में भौतिक जगत में आने के बाद हृदय धड़कता नहीं है भगवान के लिए, भगवान के लिए धड़कता नहीं है। अगर भगवान के लिए हृदय धड़केगा तब प्रेम पुनर्जागृत करने में समय नहीं लगेगा, तब फिर शुद्ध मार्ग पर चलने के लिए समय नहीं लगेगा, और तब फिर भगवत प्राप्ति के लिए समय नहीं लगेगा। तब आप फटाफट, है ना, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगेगा। आपका हृदय भगवान के लिए धड़कता है, आप हमेशा कृष्णा के चिंतन में रहेंगे। ठीक वैसे ही जैसे कृष्णा गोपियों को छोड़ करके, गोपों को छोड़ करके, ब्रजवासियों को छोड़ करके वृंदावन से चले तो गए, परंतु चल जाने के बाद भी छोड़े नहीं कभी भी। कृष्णा हमेशा बोले मैं हमेशा वृंदावन में रहूंगा, है ना। अगर वो दिख नहीं रहा है इसका मतलब ये नहीं है, नहीं है। परंतु अगर प्रत्यक्ष रूप में नहीं दिखने के बावजूद भी गोपियों का, गोपों का, ब्रजवासियों का हृदय हमेशा भगवान के लिए धड़कता है, इसीलिए बोलते हैं। कि ब्रजवासी कोई हो ना, शास्त्र में लिखा हुआ भक्ति रसामृत सिंधु। देखिए जब ये बात बोल रहा हूं तो भौतिक मलिनता को साइड हटा दीजिए, अगर भौतिक रूप से कोई मलिनता है तो उसको साइड हटा दीजिए, उसके बारे में बात नहीं हो रही। शास्त्र में बहुत सारी बात लिखी हुई है वृंदावन के लिए, कि वृंदावन में किसी का अपमान नहीं करें, किसी का हृदय ना दुखाएं, ये भी बात लिखा हुआ। वृंदावन में गुरु वृंदावन के होने चाहिए। अब देखिए समझिए, जब ये वृंदावन बोला जा रहा है, वृंदावन का अर्थ क्या है? कि हमेशा कृष्णा के चेतना में डूबे हुए, चाहे वो इस धाम में बैठा हुआ हो तो बहुत अच्छी बात है, परंतु इस धाम में नहीं भी बैठा हुआ, परंतु कृष्णा के प्रेम में कहीं पर डूबा हुआ, वो पूरी में बैठा हुआ, और वो वहां पर बैठा हुआ जहां पे विग्रह कहीं पे दिखाई भी नहीं दे रहा, परंतु विरह में कृष्णा के प्रेम में डूबा हुआ, तो वो भी वृंदावन। ऐसा कृष्ण कृपा श्री मूर्ति शिल प्रपात बोलते हैं। आज मैं स्पेशली बार 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 मेंशन कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि मेरे पास मेरा अपना कुछ भी नहीं है, मेरे पास अपना कुछ भी नहीं है। शिल प्रपात जो बोलते हैं मैं वही बताने का प्रयास करता हूँ, उसी को अलग अलग रूप से प्रकट करने का प्रयास करता हूँ। मेरे पास अपना कुछ नहीं, मुझे स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं आता, है ना। वो तो वो कृपा करते हैं तो हम लोग भक्ति करने का प्रयास करें। वो चाहते हैं उसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं, है ना। हरे कृष्ण, चलिए कंटिन्यू करते हैं। हरे कृष्ण, ओके। मनीषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। महर्षि नारद ने आगे कहा, अपनी आत्मिक उन्नति तथा सशक्त तपस्या के प्रभाव से ही पति परायण सुनीति ने पुत्र
ध्रुव महाराज से ऐसा उच्च पद प्राप्त किया है जो तथाकथित वेदांत नीतियों, हरे कृष्ण, के लिए प्राप्त करना संभव नहीं। सामान्य मनुष्यों की तो बात ही क्या कही जाए। तात्पर्य, इस श्लोक में वेदवानिदः महत्व का है। हरे कृष्ण प्रभु जी, बीच में कुछ आ रहा है प्रभु जी। सामान्यतः जो व्यक्ति वेदों का दृढ़ता से पालन करते हैं वह वेदवादी कहलाता है। इसके साथ ही तथा कथित वेदांती भी हैं जो अपने आप को वेदांत दर्शन का अनुयायी घोषित करते हैं, किंतु वे वेदांत की गलत व्याख्या करते हैं। भगवद गीता में भी वेदवाद रता शब्द आता है जो ऐसे व्यक्तियों का सूचक है जो वेदों का सार समझे बिना वेदों में आसक्त रहते हैं। ऐसे लोग वेदों के संबंध में बातें करते रहे या अपने ढंग से तपस्याएं करते रहे, किंतु वे ध्रुव महाराज जैसे उच्च पद को प्राप्त नहीं कर पाते। जहां तक सामान्य राजाओं का संबंध है, यह बिल्कुल संभव भी नहीं है। यहाँ पर राजाओं का विशेष रूप से उल्लेख है, क्योंकि पहले समय में राजा भी राजर्षि हुआ करते थे। ध्रुव महाराज राजा थे और साथ ही वे ऋषि के समान ज्ञानी भी थे, किंतु भक्ति के बिना वे ना महान क्षत्रिय राजा ना ही वेदवादी ब्राह्मण ध्रुव महाराज जैसे उच्च पद को प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हम कल परसों ही शायद कोई एग्जाम्पल दे रहे थे, वो एग्जाम्पल देते देते बात हुई थी, तो उस समय बात ये हुई थी कि अगर हम सारे वेदों को पढ़े और कृष्णा को न समझे, है ना? ऐसा हुआ था ना? यस नो, कल ही परसों हुआ था ना, इसी क्लास में 9 PM। हम सारे वेदों को पढ़े और कृष्णा को ना समझे, तो वेदों को पढ़ करके क्या लाभ है ना? हुआ था, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा किस कॉन्टेक्स्ट में बात हुई थी, कल परसों ही बात हुई है ना। हरे कृष्ण। यस हरे कृष्ण। यस नो, नहीं पता, पता नहीं, फिर मैंने कहीं और बात किया, याद नहीं आ रहा। ओके चलिए, तो अगर सपोज करें हम सारे वेदों को पढ़े, है ना, सारे वेदों को पढ़ जाए, परंतु लक्ष्य पता ही नहीं है। लक्ष्य क्या है? कृष्णा बोलते हैं ऑफ ऑल द वेदास आई एम टू बी नोन, सारे वेदों को पढ़ करके आप मुझे जाने। हम वेद को पढ़ लिए, ये पढ़ लिए, वो पढ़ लिए, ये उपनिषद वो उपनिषद, परंतु कृष्णा, कृष्णा के बारे में चिंतन नहीं कर पा रहे, कृष्णा को भगवान नहीं जान पा रहे, वेदों को पढ़ने का क्या लाभ हुआ? एक्चुअली में क्या है ना, हम लोगों का उतना शुद्धता, हम लोगों में उतनी शुद्धता है नहीं कि हम पूर्ण रूप से सत्य को स्वीकार कर ले, है ना? हम लोगों में उतनी शुद्धता है नहीं। तो होता कैसा है कि हम सिंपल जो रास्ता होता है, और आध्यात्मिक जगत में उसे सहजिया बोला जाता है, उसको स्वीकार कर लेते हैं। सहजिया वाला रास्ता स्वीकार करने से कभी लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो सकता। सहजिया एक प्रिटेंडर के समान होता है, एक दिखावा करने के समान, दिखावा करने वाले के समान। जैसा कोई सपोज करे दिखावा करता है, कोई डॉक्टर का कपड़ा पहन ले, है व्हाइट व्हाइट कपड़ा पहन लिया और स्टेथोस्कोप गले में लटका दिया। प्रोनंसिएशन ठीक था ना? गड़बड़ था तो ठीक कर लीजिएगा। अगर लटका लिया हो तो वो डॉक्टर नहीं बन जाता, या फिर कोई सर पे वो इंजीनियर वाला हेलमेट पहन लिया है और कंस्ट्रक्शन साइट माइनिंग साइट पे खड़ा हो गया,
तो वो इंजीनियर नहीं बन जाता है ना, कोई कोट पहन ले और ऑफिस वो हाँ कोट चला जाए, कोट कोट पहन लिया अब कोर्ट चला गया तो वो वकील नहीं बन जाता। ठीक इसी प्रकार से कोई भक्ति का दिखावा करने लग जाए तो भक्त नहीं बन जाता। भक्त का हृदय धड़कना चाहिए, भगवान के लिए हृदय धड़कना चाहिए। अभी बता रहे थे वही बात, हम लोगों का प्रॉब्लम ये है हमारा हृदय काम करना बंद कर रहा है। जैसे डॉक्टर इलाज करते हैं ना, अगर सपोज करे पैर में दर्द करता है तो डॉक्टर इलाज करते हैं, सर में दर्द करता है डॉक्टर इलाज करते हैं। ठीक इसी प्रकार से कृष्ण कृपा श्री मूर्ति शिला प्रपाद हमारे हार्ट के डॉक्टर, हमारा हार्ट काम नहीं कर रहा और वो इलाज कर रहा है ना, वो इलाज कर रहा है, हमारा हार्ट काम करना बंद कर दिया। कोई भी किसी का भी अगर शुद्ध रूप से हृदय कार्य कर रहा हो, वो चीजों को यथारूप देख रहा हो, सही देख रहा हो, सत्य देख रहा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो भगवान का चिंतन ना करे। हम लोग बोलते हैं ना आप नाम जपिए, बोलते सुल्ला माला नाम जपिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सुल्ला माला नाम जपने बोलते, बहुत इंपॉर्टेंट। कृष्ण कृपा श्री मूर्ति शिल प्रपात से कभी पूछा गया, हाँ जो ऊंची बात है वो नहीं बता रहे है ना, बहुत ज्यादा एक्सटेसी वाला बात हो जाएगा, आगे की बात बता देते। उनसे पूछा गया सुल्ला माला, तो शिल प्रपात बोलते हैं सुल्ला माला तो बस बोला है, परंतु ये चिंतन हमेशा चलना चाहिए। सुल्ला माला तो निश्चित रूप से अच्छे से नाम जप करना, परंतु ऐसा नहीं है बाकी समय नाम जप नहीं करना है ना, ये अभ्यास कराया जा रहा है। जैसे एग्जाम आता है ना, है मैथ्स का एग्जामिनेशन आता है तो क्या करते हैं, उससे पहले बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ना, ताकि जो मैथ्स का एग्जामिनेशन आए तो उसमें अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर ले है ना, प्रैक्टिस करे, रटे नहीं प्रैक्टिस करे है ना। ठीक उसी प्रकार से ये सुल्ला माला नाम जप करना ये तो प्रैक्टिस है, ताकि हम हर पल भगवान का चिंतन कर पाए। लक्ष्य सुल्ला माला करने का नहीं है, लक्ष्य तो ये है कि हर पल भगवान का चिंतन करें। कृष्णा, अब ये नए डिवोटीज के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट, कृष्णा साफ साफ बोलते हैं कि हमें अपना निर्धारित कर्तव्य का निर्वहन करना है, प्रेस्क्राइब ड्यूटी करनी है, हमारा जो कार्य है वो करना है और भक्ति करनी है, परंतु जो कार्य कर रहे हैं ना उसका लक्ष्य कृष्णा को बनाइए। जैसे एक बहुत सरल सा एग्जांपल है, सब समझ जाए, जैसे जो गोपियां थी, देखिए गोपियों को कभी कॉपी नहीं किया जा सकता, उनको फॉलो करने का भी जो हृदय है वो भी हटा दीजिए, परंतु उनसे उनसे इंस्पिरेशन ली जा सकती है, फॉलो करने का प्रयास कर सकते, फॉलो नहीं कर सकते उनको, शुद्धतम भक्त उनको कहां से फॉलो। जो गोपियां हैं वो कृष्णा के चिंतन में डूबी रहती, सुबह कृष्णा जा रहे हैं गैया को लेकर के है, और फिर पता है शाम को आएंगे, जब शाम को आएंगे तो कृष्णा के चिंतन में सुबह से शाम तक तो लगे रहे, परंतु वो अपना काम जल्दी से जल्दी समटा ले, जितना कार्य है जल्दी से जल्दी कर दो, ताकि वो शाम को कृष्णा आए। कृष्णा को भी तो देखना है, कृष्णा से भी तो मिलना है, काम खत्म हो जाएगा तब तो मिलेंगे ना, हमको अपना कार्य भी ठीक उसी प्रकार से करना, कार्य करना है।
कार्य का लक्ष्य भी भगवान ही होना चाहिए, फल भी भगवान ही को अर्पित करें, परंतु इसलिए ताकि कृष्णा का चिंतन करना है, कृष्णा के बारे में जानना है, कृष्णा का प्रेम अनुभव करना है ना। तो हम लोगों का हृदय उसी प्रकार से भगवान के लिए हर पल धड़कना चाहिए। जो अभी बात कर रहे थे, सदैव मेरा चिंतन करो तब होगा, है ना। तो कोई भी मन घड़ंत तरीके से तपस्या करे, यज्ञ करे, दान करे, कोई लाभ नहीं होगा। अपने मन घड़न तरीके से सब कुछ करने से कोई लाभ नहीं है। जिसको हम भक्ति समझते हैं, अगर वो आज्ञा अनुसार नहीं हो रहा है, अगर वो विधि अनुसार नहीं हो रहा है, तो भक्ति नहीं है, नहीं है भक्ति। भक्ति करना है ना, उसका अर्थ है आपको विधि अनुसार करना पड़ेगा। हाँ, जब विधि अनुसार हम भक्ति कर लें, जब शास्त्र में जो कहा गया है, गुरु ने जो बोला है, शुद्ध मार्ग पे चल लें, उसके बाद विधि का पालन करने का आवश्यकता नहीं होगा फ्यूचर में, आगे आगे, अभी नहीं, आगे जब बहुत भक्ति कर लीजिएगा तब ऐसी स्थिति आएगी। शुरुआती तौर में नहीं आती, शुरुआती तौर पे बस और बस आज्ञा पालन। है ना, जब आज्ञा पालन हो जाएगा तो इस प्रकार की ऐसी स्थिति आएगी कि आप कुछ भी करेंगे तो भक्ति करेंगे, है ना। ये आगे होगा, जब कृष्णा का चिंतन हर पल हृदय में हो रहा है, एक पल भी ऐसा नहीं जा रहा है जब कृष्णा का चिंतन नहीं हो रहा है, एक पल भी नहीं जा रहा, अब आप भक्ति कीजिए, अब विधि का आवश्यकता नहीं होगा। परंतु शुरुआती तौर में कोई सोच ले कि अपने ढंग से तपस्या करें, नीचे लिखा हुआ देखिए, अपने ढंग से तपस्या करें तो हम उच्च पद पे स्थित हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं होगा। हमको जितना आता है, हमको जो समझ में आता है, हमसे जितना होता है, हम जो कर पाते हैं, ऐसे भक्ति कर ले, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ऐसे भक्ति नहीं होती। तो करना क्या होता है, हम लोगों को आज्ञा प्राप्त करनी होती है। जो अथॉरिटी है उससे आज्ञा प्राप्त की, जो अथॉरिटी है वो बताएगा सही क्या है। जिसको सिद्धांत पता है वो बताएगा सिद्धांत क्या, जब पता चल गया कि सिद्धांत क्या है, उस अनुरूप कार्य कीजिए, आपका हृदय परिवर्तित होगा, आप उस प्रकार की स्थिति में आ जाइएगा। एक्चुअली में ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, परंतु प्लीज कोई हतोत्साहित मत होइएगा। एक्चुअली में शुद्ध भक्ति रागानुगा भक्ति से ही शुरुआत होगी, परंतु वो स्तर बिना आज्ञा पालन के आ ही नहीं सकता, कभी नहीं आ सकता। बिना वैधि भक्ति के कोई रागानुगा भक्ति करने लग जाए, बिल्कुल नहीं आ सकता। बिना कोई विधि का पालन किए कोई बोले कि हमारा भगवान से दिव्य प्रेम स्थापित हो गया है, अब तो हम अपनी इच्छा अनुसार हम कुछ ना कुछ करेंगे, जो मन आएगा सो करेंगे, तो आप गलती कार्य कीजिए। वैधि भक्ति पहला स्टेप होता है, फिर रागानुगा भक्ति होती है। शुद्ध प्रेम रागानुगा भक्ति ही है, शुद्ध प्रेम वही है जहां पे कोई नियम नहीं लगता, शुद्ध प्रेम वही वही। परंतु वो आना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, परंतु एक अच्छी बात, कृष्णा और गुरु बहुत कृपालु,
अगर आपका हृदय सच में ऐसा है कि आप उस स्तर पे जाना चाहते हैं, आप बिल्कुल नहीं पहुंचे, आप वैधि भक्ति भी ढंग से नहीं कर पा रहे, परंतु उस स्तर पे जाना चाहते, आपका हृदय धड़कता है कि हमको उस स्तर पे जाना है, तो कृष्णा ऐसी व्यवस्था बना देंगे, गुरु ऐसी व्यवस्था बना देंगे कि आप उस स्तर तक पहुंचिए। ये होगा। इनफैक्ट कृष्णा स्वयं प्रॉमिस करते हैं भगवद गीता कि, इनफैक्ट श्रीमद् भागवत में भी आता है, कि हमारी जिस प्रकार की इच्छा होती है कृष्णा उस प्रकार की स्थिति बना देते। तो अगर आपकी ऐसी इच्छा होगी तो बना देंगे, है ना। ध्रुव महाराज की उस प्रकार की स्थिति हो गई। ध्रुव महाराज शुद्धतम भक्त, टॉप मोस्ट, उनके ऊपर कोई नहीं, है ना। तो उस प्रकार की स्थिति हुई क्योंकि उन्होंने विधि का पालन किया। नारद मुनि ने, गुरु ने जो बोला उस अनुसार कार्य किया, है ना, तब जाकर के उनकी वैसी स्थिति प्राप्त हो गई। अगर कोई वैधि भक्ति ना करे, विधि अनुसार ना करे, आज्ञा अनुसार ना करे, डेफिनेटली वो रागानुगा भक्ति में कभी नहीं स्थित हो सकता, कभी भी स्थित नहीं हो सकता, है ना। गुरु कृपालु होते हैं, कोई नीचे वाला स्तर का भी होता है, फिर भी बोलते हैं कोई बात नहीं, ये भी भक्ति करता, ये भी शुद्ध भक्ति करता। अरे वो शुद्ध भक्ति जानता भी नहीं, अरे कोई बात नहीं करता, ठीक है। तो गुरु कृपालु होते हैं, बट कोई बात नहीं, गुरु को कृपा करने दीजिए, हमको सत्य भी जानना चाहिए, गुरु की कृपा पर आश्रित रहिए, परंतु सत्य भी जानिए, हमारी अब स्थिति ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कौन? हरे कृष्णा। ऋचा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। महर्षि नारद ने आगे कहा, देखो ना किस प्रकार ध्रुव महाराज अपनी विमाता के कटु वचनों से मर्माहत होकर केवल 5 वर्ष की अवस्था में जंगल चले गए और उन्होंने मेरे निर्देशन में तपस्या की। यद्यपि भगवान अजेय हैं, किंतु ध्रुव महाराज ने भगवत भक्तों के विशिष्ट गुणों से समन्वित होकर उन्हें परास्त कर दिया। तात्पर्य, परमेश्वर अजेय हैं, उन्हें कोई भी जीत नहीं सकता, किंतु वे स्वेच्छा से अपने भक्तों की भक्ति के गुणों की अधीनता स्वीकार करते हैं। उदाहरणार्थ, भगवान कृष्ण ने अपनी माता यशोदा के नियंत्रण की अधीनता स्वीकार की क्योंकि वे एक महान भक्त थीं। भगवान को अपने भक्तों की अधीनता प्रिय लगती है। चैतन्य चरितामृत में उल्लेख है कि प्रत्येक व्यक्ति भगवान के समक्ष आकर स्तुति करता है, किंतु भगवान उससे उतने प्रसन्न नहीं होते जितना कि वे अपने को अधीन समझकर अपने भक्तों की प्रेममयी डांट से प्रसन्न होते हैं। भगवान अपनी उच्चस्थ स्थिति को भूलकर अपने शुद्ध भक्त के समक्ष स्वेच्छा से समर्पण कर देते हैं। ध्रुव महाराज भगवान को इसलिए जीत पाए क्योंकि वे 5 वर्ष के थे, तभी उन्होंने भक्ति करने के लिए कठोर तपस्या की थी। यह भक्ति निसंदेह नारद मुनि के निर्देशन में संपन्न हुई थी। भक्ति का प्रथम नियम है, प्रारंभ में प्रामाणिक गुरु स्वीकार करना होता है, और यदि भक्त गुरु के आदेशों का दृढ़ता से पालन करता है, जिस प्रकार ध्रुव महाराज ने नारद मुनि के आदेश का पालन किया था, तब वे उसे भगवत कृपा प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। भक्ति के गुणों का सार है कृष्ण के प्रति विशुद्ध प्रेम की उत्पत्ति। इसकी प्राप्ति कृष्ण के विषय में मात्र श्रवण से की जा सकती है। भगवान चैतन्य ने जो नियम स्वीकार किया था वह था, यदि कोई
यदि कोई भी मनुष्य कृष्ण द्वारा उद्घोषित दिव्य संदेश को अथवा कृष्ण के विषय में विनीत भाव से सुनता है तो उसमें धीरे धीरे अमिश्रित प्रेम उत्पन्न होता है और इसी प्रेम से वह अजेय को भी जीत सकता है। मायावादी चिंतक परमेश्वर से तदाकार होना चाहते हैं, किंतु एक भक्त उस स्थिति से आगे निकल जाता है। भक्त न केवल गुणों में भगवान जैसा हो जाता है, वरन कभी कभी वह भगवान का पिता, माता या स्वामी हो जाता है। अर्जुन ने भी अपनी भक्ति द्वारा भगवान कृष्ण को अपना सारथी बनाया। उन्होंने भगवान को आज्ञा दी कि मेरा रथ यहाँ पर रखो और भगवान ने आज्ञा का पालन किया। ये कतिपय उदाहरण हैं जो बताते हैं कि किस प्रकार अजेय को जीत कर भक्त द्वारा उच्च पद प्राप्त किया जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा मैं क्या बोलूं, आज बहुत एक्सटेसी की बातें हो रही है। जो भी बात हो रही है इस बात पे अगर हम लोग चिंतन करें तो एक घंटा भी कम पड़ेगा। हम लोगों ने अभी बहुत सारी बातें ये की है, इनमें से कुछ ऐसा नहीं है जो हम लोगों ने पहली बार पढ़ा हो, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। जो भी पुराने डिवोटीज होंगे सबको ही को ये बात होगी, बहुत बहुत बार पढ़ा हुआ होगा, बहुत बार देखा हुआ है ना। परंतु इससे शुद्धतम कुछ बात नहीं है। अगर मेरी माने तो कल के लिए ये क्लास को डिसकंटिन्यू कर देते हैं, क्योंकि अगर इसमें एक घंटा भी दे तो भी कम है ना। मतलब इसमें पूरा एसेंस छुपा हुआ है, जबकि ये सारा कुछ जो भी अभी आंखों के सामने पड़ा ये कुछ भी ऐसा नहीं है जो आज नहीं जाना हो। मोस्टली तो आज ही जान लिया, आज ही जो पहले अभी जो बात हुई उसी में जान लिया, पहले भी क्लासेस में जाना हुआ, तो कुछ ऐसा नया नहीं है। परंतु ये इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। तो अगर आप चाहें, आप लोग चाहें तो इसको अभी के लिए यहीं पर डिसकंटिन्यू कर देते हैं, क्योंकि कोई जस्टिस नहीं कर पाएंगे। कोई 5 मिनट 10 मिनट एक्सटेंड करके बोल दें कि प्रभु जी आप इस पे कुछ बोल दें या बता दें समझा दें, कोई जस्टिस नहीं होगा। एक एक बात ऐसी है जैसे खुद में ही उसमें छुपा हुआ सब। यस, तो कल के लिए डिसकंटिन्यू कर दें, कल कंटिन्यू करें इसी को। यस, इसी श्लोक को, मेरे को नहीं लग रहा। ठीक है, सबको अनुमति दे रहे ना, सब हृदय से सब समझने वाले। यस, बहुत इम्पोर्टेंट है। कल कोई भी लेट में तो ज्वाइन कीजिएगा, इसी पे बात करेंगे। और ये एक घंटे भी बात करें तो बहुत कम, सच जानिए बहुत कम। आप मेरे से अगर बोलने के लिए बोलिएगा मैं 3 घंटे इसी पे बात करते रहूँ, मैं नहीं रुकूंगा। रात के 12 बजे तक भी यही बात करते रहे, मेरे को कोई नींद नहीं आई है, कोई कुछ नहीं आया, बात करते रहे। ठीक है, इससे अच्छा कुछ विषय हो ही नहीं सकता। एकदम प्रेम भरा हुआ है इसमें, दिव्य प्रेम भरा हुआ है। ठीक है, तो प्लीज आप लोग बुरा मत मानिए, कल इसको कंटिन्यू करें। इसको जल्दी से एंड कर देना या जल्दी से समराइज कर देना वो ठीक है। ठीक है, चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। और वैष्णव प्रणाम मंत्र करेंगी मनीषा माता जी। और यस, प्लीज जिज्ञासा पूछिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। इसमें से भी कुछ रहे वो भी पूछिए। ठीक है, हरे कृष्ण मनीषा माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। वंच कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। और यस, मेरे को अभी अभी याद आया, कल संडे है, तो कल संडे स्पेशल होगा तो ज्यादा अच्छा है ना। कल नए डिवोटीज के लिए संडे स्पेशल हो जाए तो ज्यादा अच्छा, ठीक है। तो कल नहीं, फिर परसों कंटिन्यू करेंगे। अगर कल संडे स्पेशल करेंगे तो परसों कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। नहीं तो कल करना है, बिल्कुल। मेरे लिए तो ये टॉपिक तो बेस्ट है, इससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता। हम बातें करते रहिए इस पर। एक एक विषय ऐसा है ना, प्योर गोल्ड, एक एक विषय। कल बात करें तो कल कर लीजिए, मेरे को तो कोई इशू नहीं, पर कल संडे है, ज्यादा अच्छा है। नए डिवोटीज और भी, नए डिवोटीज अगर आपको किन्हीं को बुलाना है, किन्हीं को समझाना है ना, भगवान से रिलेटेड कोई बात समझानी है, या फिर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, किसी विषय में बहुत सारी बातें करनी है, कोई विषय नहीं समझ में आ रहा है, कोई और टॉपिक खुद बताना हो वो भी बता सकते हैं, किन्हीं को बुलाना हो वो भी बुलाइए। कल बहुत ही सरल रूप से बात होगी, है ना। जिसने भगवान का नाम बस सुना भी हो, एक बार भी सुना हो, वो भी समझ जाए। और कल जैसे नॉर्मली क्लास क्या होती है, अभी कोई मैसेज भी आ रहा है, मैं मैसेज पे अभी कंसंट्रेट नहीं करता, कोशिश करते हैं हर चीज को इग्नोर करते हैं। कल अगर कोई मैसेज करे तो डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा कि बीच में ही आंसर करने। कल सभी के लिए एकदम सरल क्लास होती है, ठीक है। ओके, यस। संडे को ऐसा हो जाए कि सब कोई जुड़ जाए, सब कोई सुन जाए, ठीक है। ओके, ऋचा माता जी ने बहुत बड़ा सा कुछ लिखा है, ये रीड कौन करेगा? ओके, हरे कृष्ण गुरु। यस, मेरे लिए तो रीड करना बड़ा मुश्किल है, कुछ तो लिखा है। चलिए कोई बात नहीं, लिखते हैं। नहीं नहीं विपुल प्रभु जी, ये मेरे को नहीं लगता कि पब्लिकली रीड करने वाला चीज है। मैं जगन्नाथ रथ यात्रा में शायद 7 PM क्लास ज्वाइन ना कर पाऊँ, ठीक है। कल जगन्नाथ रथ यात्रा, राजेंद्र, ठीक है, इट्स ओके। आप लोग कहेंगे तो कल 7 PM क्लास ही नहीं रखेंगे, रथ यात्रा है, ठीक है। अगर चाहिए तो ऐसे भी रथ यात्रा कल देखना चाहिए, कल 9 PM वाली क्लास में भी जगन्नाथ जी के बारे में ही जानना चाहिए, ठीक है। कोई बात नहीं, जानेंगे। मे भी ऐसा करेंगे, कल क्लास में बातें भी करते रहेंगे और वीडियो चला देंगे, वीडियो भी चला देंगे। वैसे रात तक तो रथ चलना बंद हो जाएगा, शाम तक चलता। जिस दिन गुंडीचा मंदिर जाता उस दिन रात को चलता, उस दिन रात तक अंदर प्रवेश करते, तो शाम तक चलता। जो देख लेंगे, जो बेस्ट होगा वो करने का कोशिश करें, ठीक है। नहीं, मैं भी कोशिश करूंगा रथ यात्रा ही देखने, कोई इशू नहीं। मेरे को क्या दिक्कत? आप भगवान के बारे में जान लो, मेरे को क्या इशू। रथ यात्रा बहुत 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 विशेष होता है, बहुत विशेष होता है, तो अच्छा है। अगर रथ यात्रा के बारे में ध्यान है, हृदय है, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं, अच्छा। यस, तो किन्हीं की कोई जिज्ञासा कहीं से भी कुछ भी, हरे कृष्ण, प्लीज बताए। वृंदावन में भी कल ही है, वृंदावन में नहीं, एक्चुअली मैं मथुरा में, तो मथुरा वृंदावन बहुत ज्यादा दूर नहीं है, पर हाँ मथुरा में।
दोपहर को 3 बजे से शुरू होगा। हरे कृष्ण। आप जाएंगे, देखिए जा भी सकते, नहीं तो ऑनलाइन देखेंगे, दोनों कर सकते। मैं अभी तक कंफ्यूज हूँ, जाने का मन तो कर रहा है जाने का, पर हृदय हो रहा है कि नहीं नहीं ऑनलाइन देख, पूरी का देखें, देखेंगे जाएंगे, हो सकता है। देखिए मेरे लिए ना, आप लोगों को बहुत बहुत लोगों को ये बात पता तो है, बहुत लोग रियलाइज नहीं करते, मेरे लिए क्लासेस सबसे इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए प्रचार सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट। तो अगर भक्त लोग चाहेंगे कि नहीं आप तो क्लास लीजिए, अगर आप लोग दृढ़ता से बोल दें क्लास ऑनलाइन ही देखेंगे फिर हम, अगर भक्त लोग सच में बोल दें कि क्लास ही लीजिए, हमको तो क्लास चाहिए, मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्लास है, चाहे कहीं पे भी कुछ भी कर। आप लोगों ने देखा होगा कभी बरसाना गए, कभी यहाँ आ गए, कभी वहां आ गए, मेरे लिए क्लास इम्पोर्टेंट। हाँ मैं ये सोचता हूँ आप लोग सुबह की आरती मैनेज कर लेंगे, ये बात बिल्कुल है, मैं सोचता हूँ सुबह की आरती आप लोग मैनेज कर लेंगे, आप लोगों से हो जाएगा ठीक। परंतु बाकी बाकी मेरे को ऐसे ही लगता है, नहीं नहीं क्लास से इम्पोर्टेंट, क्लास से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं, प्रचार से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं, कुछ नहीं। उसी लिए क्लास कभी भी डिसकंटिन्यू नहीं होती, बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर होता है कभी क्लास डिसकंटिन्यू होती, वही कार्य। तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट, जो डिवोटीज जानते हैं ना वो भी जानते हैं, 7 बज गया ना, अब नहीं दिखिएगा। बहुत सारे डिवोटीज फोन करते हैं, उनको मना कर देते हैं, बिल्कुल फोन मत कीजिए, गलती से मत कीजिए, हम नहीं उठाएंगे। ऑलमोस्ट किसी का भी फोन आता है, मैं नहीं उठाता हूँ क्लास को। तो क्लास से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, प्रचार से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं, क्योंकि ये कृष्णा को प्लीज करता है, ये श्रील प्रभुपाद को प्लीज करता है, हम वही करना चाहते हैं। ये तो आप लोग बता रहे हैं तो मेरे को ऑप्शन मिल जा रहा है जाने का, ये तो मैं नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। अगर किसी भी चीज से क्लास हर्ट होती है तो शायद मैं कुछ भी नहीं करूं। हाँ अगर हर्ट होती है परंतु उससे आपकी चेतना और शुद्ध होती है, जैसे सेवा कर रहे हैं है ना, आपकी चेतना में ये आ जाए कि सेवा करना होता है, हाँ अब अगर ये आप अनुभव करने लग जाए तो बिल्कुल हम सेवा करके दिखाएंगे आपको, क्लास को रोक करके सेवा करके दिखाएंगे, फिर बोलेंगे सेवा इंपॉर्टेंट है, क्लास कंटिन्यू करेंगे है ना। केस इन पॉइंट मेरे को बहुत अच्छे से याद है, चरणामृत वाली सेवा है ना, उस समय करके दिखाया है ना, वो कोई दिखावा के लिए नहीं था, ये दिखाना नहीं चाहते थे ये देखिए मैं सेवा कर रहा हूँ, नहीं आपको अनुभव कराना चाहता, सेवा सबसे इम्पोर्टेंट, सब कुछ कर कर आ करके सेवा ही करनी है, इम्पोर्टेंट ये है कि हम लक्ष्य को समझें। चलिए हो गया, और किन्हीं की बात, चलिए अब लंबा सा मैसेज है, सच में पढ़ने में बड़ा दिक्कत। मेरा एक सुझाव है कि जो भी आप सभी ने के सामने रखना चाहते हो प्रभु जी, अपने लिए कोई भी कार्य नहीं करने देते हैं, इसलिए सुझाव, जैसा कि आप सभी को पता हो जो शर्मा है, हाँ वैसे वैसे जो माता जी बोल रही है ना वो मुझे कभी कभी बहुत ज्यादा अनुभव होता है, जैसे अगर सपोज करें कभी कोई, देखिए ऐसा कोई बहुत ज्यादा कोई खर्चा हो मेरा, रहने का खर्चा हो गई, खाने का खर्चा हो गई, और देखिए समझिए मेरा हृदय ऐसा नहीं है कि पता नहीं मैं कैसे भी रह लूं, मेरा हृदय कि एक सामान्य होना चाहिए परंतु एक ठीक ठाक होना चाहिए, मतलब कुछ ऐसा एकदम जैसे बोलते हैं ना कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद बोलते हैं पेड़ के नीचे प्रचार कर लूं, मैं भी पेड़ के नीचे प्रचार करने के लिए तैयार हूँ, परंतु अगर बोले पेड़ के नीचे रह लो तो मुझे
अनकंफर्टेबल लगेगा। अब वैसे अनकंफर्टेबल लगे और प्रचार हो जाए दोनों साथ में नहीं होता, ठीक है। तो मेरा वैसा हृदय बना नहीं है, ठीक है। तो मेरा हृदय ऐसे ही है कि सामान्य हो, जैसा बहुत ठाट बाट हो मेरे को नहीं चाहिए। तो रहने और खाने, खाने का भी कोई बहुत ज्यादा अच्छा हो ऐसा नहीं, मतलब स्वाद के लिए भी नहीं खाने का कोशिश करता, परंतु खाना तो चाहिए तो वो खर्चा तो लगता है। परंतु उसके अलावा भी कभी कभी जैसे लैपटॉप नहीं काम करता, बड़ा इशू हो जाता। तो बात यह है कि हम लोगों को एम्पावर करना चाहिए। आजकल देखते हैं सरकारें मंदिर में जो दान जाता है उस पर भी टैक्स करने लग गई, बताइए कैसा मूर्खता है, हैं? ऐसी ऐसी जगह है, बताइए कैसा मूर्खता है, गलत बात है, ठीक है। तो कभी कभी बहुत ज्यादा अनुभव होता है, परंतु ठीक है, ये सारी स्थिति है। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर हम पर्पस के लिए दृढ़ रहें तो कृष्णा व्यवस्था बना देंगे, कृष्णा व्यवस्था बना। परंतु सीरियसली, चाहे कोई आप कोई भी हो, मैं आपकी पारिवारिक समस्या भी समाधान कर रहा हूं, प्लीज मेरे लक्ष्य को स्वीकार कर लीजिए। मेरा लक्ष्य यह नहीं है कि आपकी पारिवारिक समस्याएं सुलझ जाए, मेरे लक्ष्य को स्वीकार कर लीजिए, उसको मना मत कीजिए। लोग क्या करते हैं ना, लोग आज परेशान है पूछ लिया, कल परेशान है पूछ लिया, परसों परेशान है पूछ लिया, तरसों पूछते हैं आप कौन है, समस्याएं से निकल गए उसके बाद पूछते हैं आप कौन है, आपका लक्ष्य क्या। हम तो समस्या से निकल गए, हम तो अपना काम कर रहे हैं, ये गलत है, ये मत कीजिए। और कुछ नहीं भी करें तो कम से कम अपने आप को भगवत धाम ले जाने का प्रयास कर लें। और कुछ मेरे लिए नहीं करना है ना, मेरा इतना कार्य कर दीजिए। आप लोगों की मदद करें, सपोर्ट करें, बहुत सारा कार्य है, बहुत सारा काम कर सकते हैं, है ना, कर दें बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सकते हैं, कम से कम इतना कर दें, अपने आप को भगवत धाम ले जाने का प्रयास, ठीक है, वो कर दीजिए। बाकी कुछ नहीं करना है फिर कोई बात नहीं, कोई बात, कृष्णा व्यवस्था बनाएंगे, ठीक। बाकी परेशानियां तो परेशानी भी दे दीजिए, परंतु अगर परेशानी का उत्तर मिल जाए, हैं, समस्या का समाधान मिले, तो मेरे लक्ष्य को स्वीकार करते चलिए। ऐसा मत कीजिए समस्या का तो समाधान मिल गया फिर अब भक्ति क्या, भक्ति क्यों, ये मत की, ठीक है। यस, हरे कृष्ण। और किन्हीं की कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना है, कुछ बताना है? हरे कृष्ण। नहीं, चलिए फिर कीर्तन सुनते हैं। देखिए क्या है, कीर्तन का भी एक इम्पोर्टेंट बात है, अच्छा तो यही है, अब जैसी परिस्थिति बन रही है, अच्छा तो यही है कि हम कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति श्रील प्रभुपाद का ही कीर्तन सुने ना, बहुत अच्छा। परंतु देखिए क्या है ना, हम लोगों को अभी उस प्रकार की स्थिति डेवलप नहीं होगी कि बस एक प्रकार का कीर्तन सुने और उसी में ध्यान स्थित हो जाए। तो उसी कारण क्या कीजिए, उसी कारण अभी डिफरेंट डिफरेंट कीर्तन सुन लीजिए, अभी के लिए सुन लीजिए, ठीक है। जब कोई श्रील प्रभुपाद का कीर्तन शेयर करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट फिर देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद का कीर्तन कितने लोग सुन रहे हैं तो बड़ा बुरा लगता है ना, क्योंकि सेम ट्यून रहता है ना, तो फिर नहीं डाइजेस्ट कर पाते, ठीक है। तो ठीक है, दूसरा दूसरा ट्यून सुन लीजिए, परंतु हरे कृष्णा महामंत्र सुनिए। किन्हीं डिवोटी ने एक बात पूछी और आज वो बात बहुत महत्वपूर्ण है। किन्हीं डिवोटी ने एक बात पूछी कि 16 माला जपना है प्रभु जी, बाहर जब रास्ते पे चल रहे हैं तो डिस्ट्रैक्शन होता है, ये होता है, वो होता है, तो हम तो
कम माला जपते हैं, 16 माला भी नहीं जप पा रहे। मैं बोला पहले 16 माला जपिए फिर अपने आप को और शुद्ध कीजिएगा कि यहाँ पे ये डिस्ट्रैक्शन होता है तो डिस्ट्रैक्शन में नहीं जपना है, यहाँ पे ये होता है तो ये नहीं करना है ना। तो पहले अपने आप को पहले शुद्ध तो कीजिए, पहले अपने आप को उस स्तर का तो लेकर गई है। सदैव कृष्णा का चिंतन कर रहे हैं फिर बोलेंगे कि और शुद्धता से चिंतन कीजिए ना, तब बोल देंगे ठीक है। पहले अभी हो ही नहीं रहा है, अभी कीर्तन ही नहीं सुन पा रहे, आधा आधा घंटा कीर्तन सुनना हो, एक घंटा कीर्तन सुनना हो, तुमसे सुना ही नहीं जा रहा है। बोल रहे हैं शिल प्रपात के कीर्तन सुनिए, फिर तो ऐसे ही होगा कि हम 2 मिनट सुनेंगे चल देंगे, उससे अच्छा है आप तड़क भड़क भी सुन लीजिए। तड़क भड़क मतलब इंस्ट्रूमेंट, शिल प्रपात ने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए एडवाइस नहीं किया, परंतु ठीक है अगर वो करके भी आप सुन लेते हैं तो वो सुन लीजिए, है ना, सुन लीजिए, परंतु पहले सुनिए, इम्पोर्टेंट यह सुनना है ना। हरे कृष्ण, चलिए तो कीर्तन सुनते हैं, परंतु फिर से वही बात, गलत लोगों का कीर्तन मत सुनिए ठीक। चलिए कीर्तन चलाते हैं, 10:30 तक कीर्तन। मैंने प्रेम प्रभु जी का मैसेज था वो ज्यादा पढ़ नहीं पाया, और वो पढ़ लेंगे, और भी जो इनका मैसेज होगा पढ़ने का कोशिश करेंगे, और किन्हीं की कोई बातें रहे तो प्लीज बताइएगा। हरे कृष्ण, कुछ भी बात रहे तो आप चैट में लिखिएगा, सुनूंगा।